हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइसेस सो व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल आउटपुट डिवाइसेस तो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन होता है वो है यूज़र से इनपुट लेना उसको प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना सो आउटपुट डिवाइस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट हार्ड कापी सॉफ्ट कॉपी जो हार्ड कापी होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है और जो सॉफ्ट कापी है वो कंप्यूटर स्क्रीन में जो डिस्प्ले होता है वो सॉफ्ट कॉपी है जैसे एग्जाम्पल जो पी डी एफ फाइल होता है वो सॉफ्ट कॉपी है और अगर उस पी डी एफ फाइल का प्रिंट आउट निकाल लें तो वो हार्ड कापी है Examples of output devices are monitor, printer, speaker, plotter, projector, etc. Monitor. Monitor generates output in soft form. Another name of monitor is VDU, Visual Display Unit. Types of monitor are CRT, cathode ray tube, TFT, thin film transistor. एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड तो जो मॉनिटर में है वो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसमें देखिए उसके लिए पूरे जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे डॉट्स में रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज रहता है वो डॉट्स और अगर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना है जैसे एल प्रिंट करना है तो बस ये पांच डॉट्स ही हाईलाइट होंगे और जितने भी डॉट्स हैं वो सब हाईलाइटेड नहीं रहेंगे मीन्स इल्यूमिनेटेड नहीं रहेगा उसे लाइट इमिट नहीं करेगा बस ये जो वन टू थ्री फोर फाइव है बस ये पांचों ही आ, जो पिक्सल है डॉट है उसी से लाइट इमिट होगा तो इसी से इमे, इसी, आ, इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेजेस फॉर्म फ्रॉम टाइनी डॉट्स अरेंज्ड इन फॉर्म। दिस टाइनी कॉल्ड पिक्सेल्स। ये पिक्सल्स छोटे छोटे डॉट्स हैं, उसको पिक्सल्स बोला जाता है और जितने छोटे या ज्यादा पिक्सल होंगे उतने ही बेटर क्लैरिटी और रेजोल्यूशन होता है इमेजेस का it is the oldest kind of monitor it consumes highest amount of electricity compared to other monitors electron gun is used in crt monitor electron gun ke help se isme image ka formation hota hai. thin film transistor tft in tft monitor electrons flow in all the four directions कॉमन एल सी डी डिस्प्ले इट रिफ्रेश मोर क्विकलीगुलर एल सी डी डिस्प्ले एंड शोज मोशन मोर स्मूदली मतलब ट्रांजिस्टर एल सी डी से बेटर क्वालिटी देता है और कॉस्टली भी होता है एल सी डी इन एल सी डी मोनिटर एलईडी ट्यूब आर यूज

दो तरह के प्रिंटर होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर द प्रिंटर विच द पेपर ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऑफ डेटा इज इसको इंपैक्ट प्रिंटर एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स ड्रम प्रिंटर डेजी प्रिंटर ये जो एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है कि डॉट मैट्रिक्स या डेजी प्रिंटर किस टाइप के प्रिंटर है इंपैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसका आंसर होगा इंपैक्ट प्रिंटर एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे डॉट uh, मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें ईच कैरेक्टर इज प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स डॉट्स के हेल्प से इमेजेस का फॉर्मेशन होता है जैसे यहाँ पे ई e, ई e का जो कैरेक्टर uh, प्रिंट हुआ है वो डॉट्स के थ्रू हुआ है तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हो गया और जो डेजीवेल प्रिंटर है इसमें जो होता है प्रिंटर का जो हेड है वो ऑन अ व्हील एंड फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसके फॉर्म में रहते हैं और पिंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स होते हैं तो उससे प्रिंट होता है इसलिए इसका नाम पड़ा डेजी वल प्रिंटर क्योंकि इसका जो है, वो डेजी फ्लावर के पेटल्स की तरह अरेंज रहते हैं और ये है ड्रम

नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर में पेपर में बिना टच किए ही प्रिंट होता है जैसे एग्जाम्पल लेजर इंकजेट थर्मल प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो होता है उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है लेजर तो लाइट के हेल्प से होता है लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन पेज तो लेजर प्रिंटर में लेजर के हेल्प से होता है और जो जेट प्रिंटर होता है उसमें जो इट प्रिंट्स स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू पेपर्स तो ये इंक का स्प्रे करने से इंक जेट प्रिंटर में प्रिंट होता है और जो थर्मल प्रिंटर है उसमें इसका थर्मल प्रिंटर का आप एग्जाम्पल एटीएम में जब स्लिप होता है जब कैश विदड्रॉल के बाद जो स्लिप इजेक्ट होता है वो थर्मल प्रिंटर के हेल्प से प्रिंट होता है या पॉइंट ऑफ सेल जब शॉपिंग करने के टाइम जो पॉइंट ऑफ सेल में जो स्लिप uh, होता है वो भी थर्मल प्रिंटर के हेल्प से ही प्रिंट होता है द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ लेजर प्रिंटर इज बेटर देन अदर्स इन ए टी एम एंड पॉइंट ऑफ सेल थर्मल प्रिंटर इज यूज थर्मल प्रिंटर टेक्स लेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इमेजेस है ये. -wise -wise में तीन प्रिंटर लाइन प्रिंटर पेज प्रिंटर और इसका जो स्पीड uh, मेजर होता है वो कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड लाइन प्रिंटर का होता है लाइन पर मिनट या लाइन पर सेकेंड पेज प्रिंटर का पेज पर मिनट या पेज पर सेकेंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई डी पी आई डॉट पर इंच रखिएगा डी पी आई इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्पीकर स्पीकर जेनरेट आउटपुट इन सॉफ्ट फॉर्म स्पीकर वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना है या कोई भी वॉइस फॉर्म में आउटपुट होता है तो वो स्पीकर के हेल्प से होता है प्लॉटर प्लॉटर जेनरेट आउटपुट इट

It is mostly used to show picture in large format. The resolution of projector is measured by pixel. Projector का जो resolution hota hai wo pixel se measure hota है. Input and output both. इसका जो example है वो है touch screen और disk drive. Examples of input and output both. Touch screen है वो input भी लेता है और output भी देता है. दोनों काम एक ही से होता है. और डिस्क ड्राइव बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट पेयर का जो एग्जाम्पल है वो ईयरफोन है उसमें हम जो पेयर है एक ही डिवाइस में होता है कनेक्टेड रहते हैं इनपुट आउटपुट दोनों ईयरफोन नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश एग्जिस्ट फिजिकली एंड इज परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन दैट प्रेजेंटेड ऑन डिस्प्ले डिवाइस the so correct answer is option c this hard copy dot matrix is a type of it is a type of printer option b output devices make it possible to dash option a view and print a data dash is fast speed printer laser printer is fast speed printer that is option a in a computer which device is functionally opposite to a keyboard correct answer is printer printer is functionally opposite to a keyboard thank you for watching the video